मध्य प्रदेश में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत कड़ाई में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने खड़ी फसलों को जेसीबी से नष्ट किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। तराना अनुविभाग के मागड़ोन तहसील के ग्राम पंचायत कढ़ाई में शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। इस कार्यवाही में प्रशासन ने ग्राम कढ़ाई में गरीब किसान की एक बीघा भूमि जमीन पर खड़ी प्याज आदि की फसल को जेसीबी से नष्ट किया। हालांकि पीड़ित किसान ने प्रशासन की अचूक कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका बाबूलाल जी, क्या मामला है आपके यहाँ का? सर, हमारी खड़ी फसल थी जी, तो इसमें जेसीबी लाई और मेरे भाई को तारिक पे बुले लिया वहाँ पे, और यहाँ पे फसल पे नष्ट कर दी। इसने मेरे को खड़ी अंदर रखी दी, इसने मेरे को ले जाने लगा कि तेरे को ले जाऊँगा न जड़ में डाल दाएंगा, और ये फसल नष्ट करी उनने। हमारी फसल का करीबन 3 लाख रुपए की फसल थी प्याज की, आज प्याज को भाव क्या है? क्या क्या मांग करते हो आप प्रशासन का? हमारी फसल नष्ट हुई इसकी, और हमारी सबकी यहाँ जो गांव की 70 वगैरह जमीन है, अन जमीन को सबका अतिक्रमण छोड़ दे ही, तो हम भी छोड़ देंगे। आपने इसके पहले भी कुछ टैक्स वैक्स भरा था जमीन का? हाँ, भरा अतिक्रमण दिया अपने आए तो। आपने पट्टे के लिए भी आवेदन दिया था, उसमें क्या हुआ? डंडा आया तो भरियो हमने डंड। पट्टे के लिए आवेदन दिया था आपने? हाँ दिया तो सर। क्या मामला दादा आपका? ये सब मेरा मामला है, यहाँ पे मेरे को कलेक्टर साहब ने आवेदन पहले भी दिया था मैंने। हाँ। और करीब करीब इसको जमीन को हो गया मेरे को 25-30 साल हो गया मेरी जमीन को। हाँ। और मेरे पास में और कोई बाकी जमीन नहीं है साहब खाने को लिए। मेरा माँ बाप तो गुजर गए अभी तक, और मैं गुजरने के बाद में मेरे को 10 बच्चा बच्ची छोड़ के गया यहाँ पे, उनका पालन पोषण कर रहा था इस जमीन के अंदर, और मेरे पास में एक अलावा और कोई जमीन नहीं है। और ये क्या है कि अभी तक तो जी ने नोटिस भरता था, मैं कार्रवाई करता था, मेरा पेट भरता था, तो प्रशासन आई तो वहाँ ADM साहब आए यहाँ पे, तहसीलदार साहब आया अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आया तो वो दीवान जी भी आया तो मैंने मेरे को तारिक पे बुलाया, और तारिक पे गया मैं तो वो ADM साहब ने ये यहाँ पे आ गया सब लोगों, और यहाँ पे जेसीबी चला को हमने मेरी फसल को बर्बाद कर दी, और मैं अब मारा बाल बच्चा उनको जहर पिलाना है, अब जहर दे दूंगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरा पास में। और मैं तो ये सोच रहा कि शासन ने ये जमीन मेरी अकेला की छोड़ाई, तो मैं जहर दे दूंगा, मेरा पास में और कोई रास्ता नहीं है। 10 मनक का अभी इस बार महंगाई देखो तो हद से ज़्यादा हो गई, क्या खिलाऊं उनको, मेरा पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, क्या समझे क्या खिलाऊं उन्हें, अब उनका मेरा पास में कोई रास्ता भी नहीं है साहब, क्या खिलाऊंगा उनको। तो आपने ये बच्चा क्या है मेरा पास में, रजी बच्चा है, ये क्या खिलाऊंगा उनको, कैसे पेट भरूंगा इनको, जहर पिलाना है मेरे को, तो अब मेरा कहने कोई भी आधार नहीं है। ये मन है बड़ा बड़ा लोग का, और वो मेरे को मार धोस के छोड़ाना चाहता है ये सब लोग, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। और ये ADM साहब भी आया था, बोल रहा था कि तुम्हारे घर परिवार साथ को मैं ज़्यादा करोगा तो मैं जेल में डाल दूंगा, और मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे को तो तराने जाना पड़ा, तो तराने उन्होंने बुलाया था ADM साहब ने तारीख पे, तो मैं 18 तारीख को गया था वहाँ पे, तो 18 को वहाँ पे गया था, तो वो वहाँ से नहीं आ गया, नहीं मैं वहाँ पे रह गया, तो सुबह से शाम हो गई, 6 बजे तक रास्ता देखा मैंने, तो वहाँ पे आया नहीं है, और यहाँ वहाँ से मेरे कॉल आया तो मैं वहाँ से रोक के वहाँ से बीमार दुखी हो गया, और मैंने बाटल भी लगवाई वहाँ पे, इलाज भी करवाया मैंने, और मेरा पास में और कोई रास्ता नहीं था, तो एक एम्बुलेंस आई मेरे को छोड़ के गई यहाँ पे। धन्यवाद। दौड़े तो मेरे को बोला कि बहन ऐसे कर रहे है, तुम आ जाओ, तुम्हारी मुसीबत से तुम्हारा माँ बाप ने गुंडी वाई जगह है, और सरपंच का ने भी 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है वही अड़ी कहीं क्या छोड़ा वही अड़ी खर्चा में मई अड़ी वनका करने भी 20 बीघा जमीन, ये सब पूरा टोटल गांव का छोड़ देंगे, तुम ये भी छोड़ देंगे, मेरे भैया को कह दूंगे मांग के खा लेंगे, और तुम छोड़ दो भैया, ये छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे, 70 बीघा जमीन है यहाँ से लगा के, तो हमारे भाई पट्टा की पैसा मांगे था, हमारे भाई पैसा नहीं था, हम गांव को डांडा चराते थे वन टाइम पे,
जबकि जमीन गुंडी हुई है, मेरा बाप भी मर गया और मेरी माता भी मर गई, हम पांच भाई बहन रह गया। ना अभी सरपंच पैसा मांगे, कहाँ से लाए, हम पेट भरा है हमारा बाल बच्चा का, क्या इनके पैसा दे, क्या दे, हमारा घर बार का ठिकाना को नहीं, हमारी क्या, हम रोटी खाए क्या, हमारे पास जमीन है, हमारी जमीन है अधिकारी में तो देख लो कहीं भी। आपकी फसल किन्ने नष्ट करी? और पर्वतलाल वही अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने बताया कि किसान ने जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसके चलते कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हटाने के लिए खिलाफ तहसीलदार को कार्यवाही के आदेश भी दिए। दिनपुर कड़ाई में अतिक्रमण हटाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? कड़ाई में गौशाला के लिए भूमि आवंटित की गई थी शासन के द्वारा, गौशाला को कलेक्टर साहब के आदेश से दे भी दी गई थी, लेकिन बद्रीलाल नाम का एक व्यक्ति है, वो लगातार उस पर कब्जा बनाए हुए था, उसको हटवाया है हमने। उनका कहना है कि उनके अलावा, इसके अलावा और कोई भूमि नहीं है उनके पास? उनके पूरे परिवार के पास चार चार बीघा के 4 से 5 पट्टे हैं। सरकारी भूमियों की अगर बात करें तो इसके अलावा भी 40 की एक और भूमि है जो उनके कब्जे में है। तो ये पूरी निराधार बात है, मैंने तहसीलदार को जांच करने के लिए बोल दिया है, और अगर कोई भी और भी अतिक्रमण उसका है तो हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, गांव में और भी 70 जमीन है जिस पर कब्जा है? ये बात बिल्कुल सही है कि गाँव में शासकीय भूमिया है, लोगों द्वारा उसका अतिक्रमण किया जाता है। तहसीलदारों को मैंने निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक प्रकरण 248 के बनवाए और शासन की भूमियों को मुक्त करवाए। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश भर में भूमाफिया और अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते जहां भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।